आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो दोस्तों एक बड़ी खबर के साथ मैं आप सभी के साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़े केबल ऑपरेटर हाथवे केबल्स को खरीदने के लिए मन बना रही है, बातचीत शुरू हो चुकी है। सुनने में आ रहा है कि लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ रिलायंस इंडस्ट्री हाथवे केबल को खरीदने का प्लान कर रही है और जो भी बातचीत है वो अपने इनिशियल स्टेज में आ चुकी है। और इस खबर के बाद आज लगभग 10% का अपर सर्किट मार के बंद हुआ है हाथवे केबल। लेकिन क्या अभी निवेश बेहतर समय हाथवे केबल में, या फिर हमें अभी न्यूज़ बेसिस पे बाइंग से बचना चाहिए, इस बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्योंकि सुना जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री को हाथवे केबल खरीदने का जो मेन कोर पर्पज है वो है रिलायंस जियो का जो गीगा फाइबर जो ब्रॉडबैंड स्कीम लेके आने का प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग, उस काम में और तेजी लाने के लिए वो हाथवे केबल्स को खरीदने का मन बना रही है। तो दोस्तों हाथवे केबल के बारे में हम लोग आपको फंडामेंटली बताएंगे, टेक्निकली भी बताएंगे, न्यूज़ बेसिस पे बताएंगे, तब आप उसमें डिसाइड कीजिएगा कि आपको कब पोजीशन लेनी है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि किसी भी न्यूज़ बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके पीछे आप डिटेल देख चुके हैं, भूषण स्टील टाटा स्टील ने खरीदी लेकिन रन नहीं कर रही है, अभी उसका स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। वेदांता ने इलेक्ट्रोस्टील खरीदा लेकिन उसमें भी यही सिचुएशन है। उसके अलावा आरकॉम के एसेट सेल, एसेट की जो बाइंग है वो रिलायंस जियो ने की लेकिन वो भी प्राइस नीचे की तरफ डिक्लाइन हो रहा है। तो इस तरह की न्यूज़ बेस पे आप बाइंग मत कीजिएगा, फंडामेंटल ग्राउंड पे बेस्ट पॉसिबल लेवल जो आपको मिले तभी आप बाई कीजिएगा। ऑलरेडी न्यूज़ मार्केट में फ्लैश हो चुकी है, ऑलरेडी आज 10% स्टॉक भाग चुका है। सो समझदारी से काम लीजिएगा, जल्दीबाजी में बड़े निवेश से बचिएगा। छोटी क्वांटिटी आप लोग खरीद सकते हैं, कुछ तेजी मिले प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ सकते हैं, लेकिन बड़ी बल्क में बाइंग करने से बचिएगा। लोगों के मैसेजेस को इग्नोर कीजिएगा, न्यूज़ चैनल्स को इग्नोर कीजिएगा और अपने दिमाग, अपनी सोच और अपनी बुद्धि से काम अगर आप करेंगे तो आपका पैसा सेफ और सुरक्षित रहेगा। जैसा कि हमने आज ही सुबह से वीडियो डाला था निफ्टी ट्रेंड में, हमने आपको बताया था कि निफ्टी में 10,930 का बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है जो कि पिछले कई दिनों से वो होल्ड कर रहा था, बट फाइनली आज वो टूट गया। 150 पॉइंट निफ्टी नीचे की तरफ बंद हुआ और ये बताता है कि निफ्टी के अंदर एक दबाव है। वो दबाव है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का जो कि 5 तारीख को आने वाली है। क्या डिसीजन होने वाला है, एक्सपर्ट्स का मान है तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई रेट बढ़ा सकता है और अगर रेट बढ़ते हैं तो मार्केट में और भी गिरावट की संभावना है। लेट्स सी कल मार्केट क्या रहता है, बट मुझे लगता है कि प्रेशर अभी कंटिन्यू रहेगा और कल भी मार्केट हमें रेड में देखने को मिल सकता है। परसों अगर रेट कट होता है तो मार्केट में एक तेजी का दौर हमें देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ और आरबीआई ने रेट कट नहीं किया बल्कि रेट को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो हमें 10,500 के लेवल्स भी आने वाले समय में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हाथवे केबल के बारे में बात करते हैं, टेक्निकल बात करता हूं सबसे पहले मैं आप सभी से। मंथली चार्ट है दोस्तों ये आपका, और मंथली चार्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो हाथवे केबल का जो मंथली रेजिस्टेंस है वो आप उस लेवल के ऊपर आप देखिएगा लगभग 45 रुपीज। दिस इज द मंथली रेजिस्टेंस लेवल ऑफ द हाथवे केबल, ठीक है 45 रुपीज। अभी 27.75 पे चल रहा है स्टॉक, उससे पहले स्टॉक कहां पर रेजिस्टेंस लेगा, उससे पहले स्टॉक रेजिस्टेंस लेगा लगभग 30 रुपीज के आसपास। तो 30 रुपीज पे स्टॉक का रेजिस्टेंस है और आप देखेंगे कि अभी ऑलरेडी 27.75 पे चल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा अपसाइड अभी नहीं बचा है। एक बार 30 क्रॉस करेगा तब जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा लगभग 45 का रह सकता है मंथली कैंडल पर। वीकली कैंडल की बात करते हैं, सेम 30 रुपीज़ 50 पैसा इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। वंस 30 रुपीज़ 50 पैसा क्रॉस करेगा देन उसके बाद हम लोग 35 एंड देन 40 के लेवल के लिए आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बट फिलहाल अभी आप लोग किसी भी बड़ी पोजिशनल बाइंग से बचिएगा, छोटी क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं, ट्रेड करके इनिशिएट करके आप देख सकते हैं मोमेंटम को, दैट इज अनदर थिंग। आपको जो 100, 200, 500 रुपए का प्रॉफिट मिलता है टेक प्रॉफिट के करें और निकल जाएं, बट उसके लिए भी आप कल का मोमेंटम पहले चेक करेंगे, 15 मिनट आधा घंटा एक घंटा 10:30 11 AM तक आप मार्केट को वॉच करेंगे, देखेंगे
कि किस तरफ जा रहा है हाथवे केबल का स्टॉक, क्योंकि अभी देखिए बाइंग नहीं, अभी खरीदा नहीं है रिलायंस ने, अभी तो एक र्यूमर आया है कि बातचीत चल रही है, रिलायंस उसको खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, बट ये एक न्यूज़ है और इस न्यूज़ के बेसिस पे ऑलरेडी आज स्टॉक 10% भाग चुका है, मे बी कल फिर भाग सकता है 5-7% जो भी है, बट अभी पोजीशन बनाने का नहीं है, रिस्क है तो बच के रहिएगा, सावधान रहिएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आप लोग कहेंगे कि प्राइस ऊपर चला गया तो हम खरीद लेते प्रॉफिट, लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूज़ बेसिस पे मैं हमेशा मना करता हूँ आपको कि न्यूज़ बेस पे जब वो मार्केट में फ्लैश हो जाती है न्यूज़, आप स्टॉक को मत खरीदिए, क्योंकि ट्रेडर्स मोस्ट एक्टिव होते हैं उस वक्त, उनको पता होता है कि छोटा रिटेल निवेशक इस न्यूज़ के बेसिस पर स्टॉक में एंट्री करेगा, बड़ी पोजीशन बनाएगा, और उस वक्त का वो ट्रेडर्स इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो आप लोग सावधान रहिए और यही हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको सावधान करना। डेली चार्ट पे हम लोग अगर बात करते हैं, 30.29 रुपीज़ अगर टूटता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा वो लगभग स्टॉक में 35 रुपीज़ के आसपास, जैसा हमने कहा 35-36 रुपीज़ आप मान सकते हैं, 36.50 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद 39 रुपीज़ का रहेगा, देन 40-44 के आसपास जाएगा। सो अभी बहुत सारे हर्डल्स हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मुझे लगता है 30-31 तक स्टॉक जाएगा, उसके बाद वापस स्टॉक में करेक्शन भी आने की पूरी गुंजाइश है। इसके फंडामेंटल्स को हम आपको दिखा देते हैं। हाथवे केबल डेटाकॉम लिमिटेड 533-162 इसका BSE कोड है, एंड हाथवे HATH हाथवे WOY हाथवे इसका जो NSE का कोड है, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में लिस्टेड कंपनी है। आज लगभग 48,66,000 शेयरों की खरीद फरोख्त हुई है, टोटल स्टॉक लगभग 9.68% ऊपर, यानी कि 2.45 रुपीज़ चढ़ के बंद हुआ है। साथ ही अगर हम देखेंगे तो कल के लिए जो ऑफर क्वांटिटीज़ हैं वो लगभग 27.75 रुपये पर, सेलिंग की क्वांटिटीज़ हैं लगभग 114,623। ओके, तो ये 48 इसका जो 52 वीक का हाई है वो आप देख सकते हैं 48.70 है, ठीक। इसके अलावा लगभग 2,377 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, स्मॉल कैप सेगमेंट का कंपनी है, बुक वैल्यू इसकी 9 रुपीज़ है और ऑलरेडी लगभग 3 times बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.9 है, 3 times ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इंडस्ट्री पी 27.1 है और डिलीवरेबल्स जो है वो लगभग 67% के डिलीवरेबल्स हैं आज। तो जैसे कहते हैं ना बाय BTST कॉल जो होती है, बाय टुडे सेल टुमारो, तो आज खरीदा कल बेचा, तो ये भी डिलीवरेबल्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, इनको भी डिलीवरेबल्स ही बोला जाता है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर हम लोग एक बार नज़र मारते हैं। लगभग 43% स्टेक जो है वो 43% स्टेक जो है लगभग 43% स्टेक प्रमोटर्स के पास है। पूजा अरे बहरी, अभी इन लोगों तो दोनों से आके कही अभी तुताई लगा दूंगा, आवाज आ गई मुझे कान में अंदर, तो चीख रहे गमार कहीं के। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 43.48 की है, 48% है। साथ ही म्यूचुअल फंड्स का जो निवेश है वो लगभग 6.93% का है और QFI का बहुत बड़ा निवेश है, लगभग 17.5% है, 17.58% का निवेश जो है वो QFIs का है। एनी अदर्स 2.78 है। और अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करेंगे तो बहुत छोटा निवेश है इंडिविजुअल्स का, केवल 9.79% का स्टेक इंडिविजुअल्स के पास है। सो ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में मानते हैं तो हम लोग काफ़ी अच्छे पैटर्न हमें नज़र आ रहा है इस वक्त। जो पब्लिक होल्डर्स है उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी काफ़ी बड़ी होल्डिंग है कंपनी के अंदर, साथ ही प्रमोटर्स भी लगभग 43-44% का स्टेक मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक होल्डिंग में अगर हम लोग बात करते हैं कौन कौन से पब्लिक होल्डिंग में निवेश किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेंटेज इक्विटी फंड का है, P6 मॉरिशस इंडिया होल्डिंग लिमिटेड है, अक्ष बंसाली है, इसके अलावा
आप रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड है, एलएनटी म्यूचुअल फंड है, गवर्नमेंट पेंशन फंड है, ठीक है, ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड है, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज है, P5 एशिया होल्डिंग इन्वेस्टमेंट मॉरिशस, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया होल्डिंग फंड LLC, ठीक है। सो ओवरऑल बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अच्छे खासे म्यूचुअल फंड का निवेश है स्टॉक के अंदर। साथ ही जो आप देखेंगे इनका अक्षय राजन रहेजा हाथवे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस पर केवल एंड द डेटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड एंड द वीरेन राजन रहेजा, ये इनके मेन प्रोमोटर्स हैं। फाइनेंशियल की बात करते हैं अगर, सो गाइस फाइनेंशियल्स में हम लोग एक बार इनके डेट स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है और कितना जो है वो इनका टोटल जो रिजर्व वगैरह है वो। तो आप देखेंगे कंपनी के ऊपर लगभग 513 करोड़ का कर्ज है जो कि 2014 में लगभग 854 करोड़ का था, 2015 में घटकर 773 करोड़ का रह गया, 2016 में डेट काफ़ी बढ़ चुका था इनका 1179 करोड़ का, उसके बाद 17 में इन्होंने काफ़ी डिक्रीज़ किया, लगभग 50% डिक्लाइन कर दिया और 628 करोड़ का रह गया, एंड फाइनली 2018 में कंपनी के ऊपर ओनली 513 करोड़ का डेट है। नेटवर्थ कंपनी की लगभग 1053 करोड़ की है और रिजर्व जो है वो लगभग 887 करोड़ के, तो ओवरऑल ओके फंडामेंटल लग रहे हैं कंपनी के। अगर बुक वैल्यू देखें लगभग 12.69 की बुक वैल्यू है, लगभग 1089 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का, प्रोविजंस भी ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो चुके हैं, पिछली बार 5.36 करोड़ के प्रोविजन थे जो कि इस बार केवल 2.86 करोड़ के प्रोविजंस ही रह गए। फाइनेंशियल अगर नंबर्स की बात करेंगे 2018 में कंपनी के, तो आप देखिएगा यहाँ पर लगभग जो टोटल रिवेन्यू था जो नेट सेल्स थी कंपनी की 54 करोड़ के आसपास की नेट सेल्स थी कंपनी की मार्च 18 में। सेल्स यहाँ पर बहुत घटी कंपनी की, अगर आप लास्ट ईयर की बात करेंगे तो सेल्स में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मार्च 17 सेल्स थी 1300 करोड़ की, मार्च 18 आधे से भी कम की सेल्स रह गई 544 करोड़ की, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है कंपनी के साथ, बड़ी वीकनेस है जो कि इंडिकेशन करती है कि फंडामेंटल्स अभी कंपनी के साउंड नहीं है। सो अभी ये रिलायंस का पार्ट नहीं है, आप एक बात को याद रखिएगा, हैथवे इज नॉट अ रिलायंस कंपनी, इट इज़ अ हैथवे कंपनी, हैथवे केबल कंपनी। सो अगर आप अभी निवेश कर रहे हैं तो आप हैथवे केबल में निवेश कर रहे हैं जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है। 1300 करोड़ से घटके 544 करोड़ की सेल रह गई, और आप देखेंगे पिछले पाँच सालों में 2014 से लेके 2018 में सबसे लीस्ट सेल अगर किसी साल में रही है तो वो 2018 में रही है, ओके। इसके अलावा जो प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट कंपनी का बूस्टअप हुआ है, दैट इज़ ड्यू टू दी एक्सेप्शनल आइटम जो कि लगभग 16.21 करोड़ के इसके प्रॉफिट्स रहे, अदर इनकम लगभग 11.97 करोड़ के आसपास की अदर इनकम रही। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार प्रॉफिट्स अच्छे, और इवन पिछले 4 ईयर्स की बात करेंगे, 5 ईयर्स की, 2014 से लेके 2018 तक तो कंपनी का जो PBT था वो ज़बरदस्त बढ़ा है, क्योंकि 2014 में जहां 122 करोड़ का नुकसान था, 2015 में 174 करोड़ का नुकसान था, 2016 में 170 करोड़ का नुकसान था, 2017 में 154 करोड़ का नुकसान था, और उसके साथ ही साथ 2018 में 77.6 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी अगर बात करोगे सो आप देखेंगे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में। प्रॉफिटेबिलिटी में अगर मैं बात करूँ, सेल्स में तो बहुत ख़राब है, इस बार सेल्स काफ़ी कम हुई है, बट जो मार्जिन बढ़ा है, सेल्स मार्जिन जो प्रॉफिट मार्जिन जो बढ़ा है वो इनका बढ़ा है काफ़ी अच्छा, और उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस 77.66 करोड़ हो गया है, ठीक है। और ये सब मुझे लगता है ये जो जितना भी कारण है केबलिंग का, ये सब इसीलिए है क्योंकि अब इंटरनेट का जो जाल है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, कहीं ना कहीं रिलायंस भी काफ़ी फोकस कर रहा है, अब गीगा फाइबर लेके आने की तैयारी कर रहा है, और गीगा फाइबर के लिए उसको केबल कंपनीज के साथ टाई अप करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो इंडिया की जो लार्जेस्ट केबल कंपनी है वो है जो आपकी हैथवे केबल है, उसको अब एक्वायर करने के लिए बातचीत स्टार्ट हो गई है। लेट्स सी कहाँ तक बात आगे जाती है, बात बनती है नहीं बनती है ये तो अभी नहीं पता, बट फिलहाल बातचीत शुरू हुई है और इसका इम्पैक्ट आज हमें मार्केट को देखने को मिला, 10% के प्लस के साथ आज स्टॉक ने बंदी दिखाई। बेसिक EPS भी पिछले 5 साल के मुकाबले प्लस में 0.94 इस बार डिक्लेयर किया है। सो ये एक अगर हम बात करेंगे बॉटम लाइन में, तो बॉटम लाइन तो बहुत अच्छा रहा है कंपनी का, बट टॉप लाइन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, पिछले 5 सालों में टॉप लाइन सबसे वर्स्ट कंडीशन में है जबकि बॉटम लाइन सबसे बेस्ट कंडीशन में, तो ये जो कोरिलेशन है ये समझना अभी बाकी है। जहाँ पर सेल्स घट के आपकी आधे से भी कम रह जाती है, वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट होता है वो कई गुना बढ़ जाता है।
हाउ इज इट पॉसिबल, तो इसके लिए डीपी एनालिसिस हम फिर किसी वीडियो में करेंगे, बट अभी के लिए आप लोग सावधान रहें, जल्दीबाजी में स्टॉक के अंदर निवेश ना करें, ठीक है। एंड उसके अलावा जून 18 की बात करते हैं, तो जून 17 में 128 करोड़ की थी, जून 18 में 129 करोड़, ऑलमोस्ट फ्लैट सेल्स रही है वाई पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बात करेंगे तो सेल्स डिक्लाइन हुई है। मार्च 18 में सेल्स जो थी 145 करोड़ के आसपास थी, जून 18 में 129 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, जहां पर जून 17 में 27 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट थे, जून 18 में वापस 2,63,00,000 के लॉसेस कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। तो आप देखेंगे QOQ और YOY दोनों ही ग्राउंड पे जून क्वार्टर अच्छा नहीं रहा है, परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है। अभी Q2 के नंबर आने वाले हैं, लेट्स सी Q2 के नंबर कैसे आएंगे। तो फिलहाल आप लोगों से यही निवेदन है मेरा, न्यूज़ बेस पे आप हैथवे केबल में इन्वेस्टमेंट ना करें, केवल आप इसको वॉच करें, इंतज़ार करें सही समय का। अगर आपको निवेश करने का मन है तो आप इसके बॉटम लाइन आने का इंतज़ार कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको निवेश की सलाह नहीं दूंगा हैथवे केबल में, सावधान रहिएगा। न्यूज़ बेसिस पे आप अगर एंट्री लेते हैं तो आप फंस सकते हैं स्टॉक के अंदर। सो दोस्तों, ये हमने बात की हैथवे केबल, जो कि शायद बातचीत के दौर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ, देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या रहता है, क्या रिलायंस हैथवे केबल को ख़रीदता है या बात अधूरी ही रह जाएगी। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ नया जैसे ही हमें मिलेगा हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आप भी अपने स्तर पर अलर्ट रहिए, एक्टिव रहिए, क्योंकि मार्केट का फंडा है, जो लेजीनेस दिखाएगा वो मार्केट में बर्बाद हो जाएगा। बी एक्टिव, बी अलर्ट, अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है, मार्केट में आपको प्रॉफिट लेना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करूंगा कुछ नए अट्रैक्टिव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी आप सबके साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।